हेलो एवरीवन आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पिछले लेक्चर्स में भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी जिसमें हमने पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग दीज आर द टाइप ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है फ्रॉम द इनिशियल टिल टुडे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग-अलग स्ट्रक्चर -अलग है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस स्ट्रक्चर्स अलोंग विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला है सिंपल स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर वाज डिजाइन इन वेरी बिगनिंग वो हमारे जब ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व एवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले बना हुआ स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस है उसने फॉलो किया था जैसा कि हम जानते हैं एम डॉस एक काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है सो so, अगर इस डायग्राम को देखें तो हमारे डायग्राम में सबसे बॉटम में है हमारे रोम बायोस ड्राइवर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस हार्डवेयर है जो इससे अपर लेवल है दैट इज डिवाइस ड्राइवर

डायरेक्टली एक्सेस टू द बेस हार्डवेयर सो वी कैन से इन दिस स्ट्रक्चर इंटरफेस और लेवल ऑफ फंक्शनलिटी को अच्छे से अलग अलग नहीं किया गया इसका रीजन ये है हमारा जो बेस हार्डवेयर है वो हर अपर लेवल लेवल की लेयर जो है उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पा रही है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई यूजर है जो एम एस डॉट्स पर काम कर रहा है विच इज वर्किंग ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम एज वी नो एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली एक्सेस अवर बेस हार्डवेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो इन केस अगर हमारा कोई यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है और अगर उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई एरर आती है या एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रैश होता है इट विल डायरेक्टली इम्पेक्ट ऑन आवर बेस हार्डवेयर इट मे बी पॉसिबल कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो सकता है सो वी कैन से इट इज नॉट वेल प्रोटेक्टेड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज वी नो दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाई द एम एस डॉ इनिशियली एम एस डॉस को एट जीरो एट माइक्रो प्रोसेसर पर राइट किया गया था। ड्यूल मोड और हार्डवेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर डिज़ाइनर्स उन्होंने बेस अबाउट सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को यूज so, किया था इनिशियल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम डॉस की जैसे यूनिक्स में भी पहले लिमिटेड हार्डवेयर फंक्शनली प्रोवाइड करवाता था इस स्ट्रक्चर में दो पार्ट है सिस्टम प्रोग्राम इस डायग्राम में सबसे टॉप लेवल हमारा यूजर होता है यूजर इंटरफेस द नेक्स्ट इज शेल कमांड कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड सिस्टम लाइब्रेरीज और सबसे बॉटम में है हमारे पास हार्डवेयर हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर होता है वो सबसे बॉटम में होता है और हमारे जो सिस्टम लाइब्रेरीज और हार्डवेयर के बीच का पार्ट होता है वो होता है कर्नल जिसमें हमारे सारे सिस्टम की सारी फंक्शनलिटीज़ को रखा गया है सो मोस्ट ऑफ फंक्शंस को हमने एक ही लेवल पर पैक कर दिया गया है अगर हमारे सपोज सी शेड्यूलिंग लेयर पे अगर कोई या सी शेड्यूलिंग मॉड्यूल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई बग है तो उसके लिए उसके डिज़ाइनर्स को उस पूरी कर्नल को देखना पड़ेगा दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें क्या किया इन्होंने जितने भी फंक्शन हैं उनको सबको एक ही लेवल पर पैक कर दिया द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लेयर्ड लेयर्ड अप्रोच स्ट्रक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम में एन नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड होता है यहाँ पे लेयर जीरो विच रिप्रेजेंट अवर हार्डवेयर देन लेयर वन एंड सो ऑन एट द आउटर मोस्ट लेयर पे हमारे होता है

पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल को चेक करना होता था सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो देर वन ऑफ देम डिफिकल्ट टू डिजाइन बिकॉज प्रोग्रामर हैज टू पर्टिकुलर

फ्रॉम द कर्नल सो इन दिस फिगर जितनी भी हमारी फंक्शनिटीज हैं वो यूजर मोड में होती है हमारे और कर्नल मोड में सिर्फ और सिर्फ जितनी बेसिक और रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी होती है सिर्फ उन्ही को रखा गया माइक्रोकर्नल में सो माइक्रो कर्नल का मेन फंक्शन है क्लाइंट प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना सेम इस अप्रोच में भी मोस्टली हमारे सिस्टम प्रोग्राम यूजर मोड में ही काम कर रहे हैं अगर एग्जीक्यूशन के दौरान फिर कोई प्रोग्राम क्रैश होता है तो हमारा एंटायर प्रोसेस क्रैश नहीं होगा लाइक like मोनोलिथिक और जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था कि अगर हमारा कोई यूजर यूजर मोड में काम कर रहा है प्रोग्राम क्रैश होता है तो दैट विल इंपैक्ट ऑन एंटायर वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बट इट विल रिफाइन इन आर्किटेक्चर सेम इन नल so, स्ट्रक्चर like, में सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है क्योंकि जितनी भी फंक्शनलिटी है हमारी सिस्टम लेवल उन सबको हमने यूजर मोड में रख दिया है इट विलीड्स टू इंक्रीज इन सिस्टम फंक्शन ओवर है ओनली ड्रॉबैक ऑफ माइक्रोकर्नल मॉड्यूलर अप्रोच दिस इज देंट मेथोलॉजी फॉर स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज किया जाता है इस अप्रोच में केवल एक और कर्नल होती है जो सिर्फ कर्नल की कोर फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करती है और अदर जितनी भी फंक्शनलिटीज है उनको मॉड्यूल की फॉर्म में रखते हैं जो सिर्फ बूथ टाइम या रन टाइम पर ही कर्नल पर लोड होती है ये अप्रोच लेयर अप्रोच और माइक्रोकर्नल अप्रोच जैसी ही लगती है जस्ट बिकॉज लाइक इन माइक्रोकर्नल हमारे जितने भी सिस्टम प्रोग्राम्स थे सिस्टम की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ थी वो सारी आपस में कम्युनिकेट कर रही थी बाय मैसेज पासिंग यहाँ पर हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कोर कर्नल एंड सेम लाइक लेयर आर्किटेक्चर में क्या था जितनी भी फंक्शनलिटी थी हमने उनको एक अलग लेयर में रखा था सेम इसमें भी हमारी जितनी भी फंक्शनलिटी है उनको हमने एक अलग मॉड्यूल में रखा है सो दिस इज द बेस्ट करंट मेथोलॉजी फॉर स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर